आपकी वजह से कुछ लोगों की मदद हुई है और आपकी वजह से कुछ लोगों की हेल्प हो जाती है, जिससे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी को, और किसी और की ज़िंदगी को फ़र्क पड़ जाता है आपकी आपके आपकी मौजूदगी से या आपकी मदद से। तो वो करना चाहिए, मेरा बहुत सिंपल। तो कोई इन्फ्लुएंस था, विचार कहाँ से पनपा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये लोग मेरे पास आए कि दे वांट मी टू बी हियर एंड देन उन्होंने अपने संस्था के बारे में बताया एंड दैट इज़ द रीज़न। फिर जो भी उनकी जो भी मैं कर सकता था अपने थ्रू वो मैंने किया। जेस्टर भी शो किया, ये बहुत थैंकफुल है सारे सीपीए वाले बता रहे थे आपने कुछ चेक वे कट करके इस तरह। यार मैं मेरा ऐसा है कि मैं बताता नहीं हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। आई थिंक इस तरह की बातें पब्लिसाइज नहीं करना चाहता हूँ मैं, और आई एम हेल्पिंग और व्हाटएवर। मैं इस तरह का हूँ। आई डोंट नो यार, फिलहाल तो अभी तो मैं हूँ, और जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे मदद की ज़रूरत है या किसी को मुझे बोलना चाहिए तो आई विल डू दैट। सर, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इन दिनों कंट्रोवर्सी चल रही है सर, इसको किस तरह से देखते हैं, क्रिएटिविटी वर्सेस सेंसरशिप को सर? देखिए बहुत ज़्यादा हो गया है, बेचारों को प्रॉब्लम उड़ता पंजाब की। आई थिंक जो भी मैंने उनकी सेंसर लिस्ट देखी है जो पेपर में आई थी, मेरी अनुराग से बात तो नहीं हो पाई कुछ चीज़ों में, मुझे लग रहा है कि ज़रूरत ही नहीं है। जैसे पंजाब नाम उड़ा देना, दूसरा मिनिस्टर्स नहीं बोल सकते, MLC नहीं बोल सकते, जो अगर मैं लॉजिक की बात करूँ, और तीसरा आप कुछ जगहों का नाम नहीं ले सकते, विच इज़ नॉट फेयर। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बेसिक फिल्म सेंसर, 11 फिल्म हो चुकी है मेरी, तो जितना मैं शायद वो बोर्ड में भी वो सारे मेंबर्स नहीं होंगे जब मैंने शुरू किया होगा। तो रूल ये कहता है कि आप एक बेसिक सेंसर करते हैं फिल्म, उसके बाद अगर कोई संस्था या कोई पॉलिटिकल पार्टी वो लेटर भेजती है देन द सेंसर शुड रिएक्ट, इफ नॉट देन द सेंसर डजंट हैव द राइट टू रिएक्ट दिस। क्या किसी ने उनको वो लेटर भेजा? अगर वो लेटर नहीं भेजा तो दे डोंट हैव द राइट टू रिमूव पंजाब फ्रॉम उड़ता। प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या रिलीज करेगा उड़ता? कैसे करेगा? आइए फ्राइडे को उड़ता देखो। अच्छा पहली बार राजनीति को निकाल देना चाहिए। हम चाहता है कि मेरी फिल्म सेंसर ही नहीं हो। थोड़ा ज्यादा हो गया यार। See, this is the whole association needs to लेकिन come together. वो कह रहे कि मैं मोदी का चमचा हूँ, तो आप कैसे देखते हैं? देखो यार, from an individual as a director from the industry it will get into political mess. Yes. नहीं लेकिन सर आपको बोलना देखिए वो उन्होंने बोला है, वो उनका काम है ना यार, वो उन्होंने बोला, उनको ऐसा लगता होगा, उसमें मैं क्या टपक पड़ूं? चलिए सर इंडस्ट्री से रोहित आपसे सवाल है, रितेश ETV से, कि हम बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं टोबैको को बंद करें या कुछ भी, लेकिन जब फिल्मों की बात आ रही है, जैसे उड़ता पंजाब में ड्रग्स को लेकर बातें हो रही हैं, जब खुल के बात वहां पे फिल्म प्रेजेंट की जा रही है, तो इतनी आपत्ति आपके लिहाज से आप एज अ डायरेक्टर किस तरह देखते हैं, जब वो भी एक अवेयरनेस के लिए ही फिल्म बनाई गई है? वो प्रॉब्लम सेंसर का, सेंसर बोर्ड का एक्चुअली, एंड प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली उसमें प्रॉब्लम क्या है वो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप वो लिस्ट देखें तो वो कह रहे हैं कि पंजाब निकाल दो, MLA नहीं बोलेंगे, MLC नहीं बोलेंगे, वगैरह वगैरह, एंड व्हाई दे आर डूइंग दैट नोबडी नोज। दैट्स व्हाट इफ यू सी अनुराग एंड एकता एंड एवरीवन आर क्वेश्चनिंग द सेंसर बोर्ड के व्हाई। एंड जहाँ तक मुझे पता है या मैंने जो न्यूज़ चैनल्स में देखा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें सेंसर बोर्ड को या किसी संस्था ने लेटर नहीं भेजा है। They are doing it on their own, and why they are doing it, we really don't know. My only thing is, what I am worried of is, as a director and a producer, like when you make a film, a lot of money has been spent, and बहुत लोगों की मेहनत होती है. The film was supposed to release on Friday. I don't know what has happened today, and what they must be going through, they only know. It's like, you know, to talk about an issue के उड़ता पंजाब को लेके जो भी हो रहा है, is a different thing. न्यूज़ चैनल्स के लिए, पेपर के लिए, मीडिया के लिए, बट वो जो टीम जिन्होंने वो फिल्म बनाई है, वो लोग जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, दे मस्ट बी गोइंग थ्रू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड एज अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर, बिकॉज द रिलीज वाज सपोज्ड टू हैपन ऑन फ्राइडे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इफ दे डोंट गेट द सर्टिफिकेट बाय टुमारो डे आफ्टर, दे वोंट बी एबल टू रिलीज द फिल्म। सो यू नो, एंड इट इज ऑलवेज बीन हैपनिंग विद अस नाउ, and the problem here lies is that we all need to come together. I'm talking about the industry.
and solve this problem once and for all. It will take time. Gradually, people have started raising their voices and people are being heard. It will take a little time, but it will happen for sure.